तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी ब्लॉग। दोस्तों आज जो है सीधा क्लास पे आके ये वीडियो स्टार्ट किया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। तो चलिए फटाफट पहले क्लास खत्म कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। आज फ्राइडे है, काफ़ी जगह जाना है। दोस्तों क्लासेस तो हो गई है, थोड़ा सा मैं लेट ही पहुँचा था, अपन कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ था अभी, थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी, पता नहीं अभी कुछ दिवाली वगैरह है शायद इसके लिए। चलिए अब निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, जुम्मा का भी टाइम हो ही रहा है, गोवा का प्लान चल रहा है, देखते सक्सेस हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ शोलापुर में गुरु नानक चौक में एक तिरंगा होटल है, वहाँ पर चाय बहुत बढ़िया मिलती है। मैं स्कूल जाया करता था अक्सर, तो यहाँ पे रुक के हम लोग दोस्त लोग चाय पानी पी के ही जाते थे। बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे चाय पानी थोड़ा कर लेता हूँ मैं। ये गुरु नानक चौक है दोस्तों। फिर कार वहाँ पे लगा दी मेरे मामा के घर के पास, अभी नमस्कार टाइम में आधा घंटा बाकी है। मेरे आंटी के वहाँ पे आया था, आंटी के वहाँ पे आके बैठा, और यहाँ पर जो मेरी आंटी की लड़की है वो कॉइन कलेक्शन कर रही थी, तो उसके बुक में देखा मैंने, ज़बरदस्त कॉइन कलेक्शन कर रही है, एक नंबर है। ये देखिए इंडियन ओल्ड कॉइन्स है ये सब, सारे के सारे ये काफ़ी ओल्ड कॉइन्स है ये, एक पैसा, आधा पैसा, पता नहीं क्या 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 है, बहुत सारी चीज़ें, इंडियन कॉइन है, और ये बाहर के मतलब फॉरेन कॉइन्स है, ये रिहाल, ये अफ्रीका का ये है, इज़राइल का ये कॉइन है, नेपाल का कॉइन है, ये यूनाइटेड नेशन का एक सेंट है, ये बांग्ला रुपया है, पता नहीं अलग अलग बहुत सारे, बहुत ओल्ड है, बहुत ज़बरदस्त है। पीछे नोट्स का भी कलेक्शन है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, कुछ यूनिक लगा। इसके ऑनलाइन मार्केट में कुछ वैल्यू पता नहीं कुछ होगी या एक अलग से, या इसके ऑप्शंस वगैरह कुछ होते होंगे, किसी को अगर इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि उसकी हेल्प हो सके। ये देखिए ये तो 25 पैसे है, काफ़ी पुराने हैं, ये भी 25 पैसे, और भी कुछ है, ये 50 पैसे, ये शायद 2 पैसा है, ये 2 पैसा, ये 50 पैसे, 50 पैसे, हाफ पैसा, और ये काफ़ी ब्रिटिशर के टाइम का ओल्ड कॉइन 1936 का है, ये 1902 का, ऐसा सेम टू सेम कॉइन मेरे पास भी है, अहमदाबाद में रखा हुआ है मैंने। दोस्तों फिर जुम्मा की नमाज़ वगैरह पढ़ी, अभी कब्रिस्तान जाना है, थोड़ा मेरे नाना नानी के वहाँ पे थोड़ा फूल वगैरह चढ़ाने हम लोग जाते हैं। अभी छोटे मामा के वहाँ पर आया था लेकिन वो भी नहीं है, वो ऑलरेडी शायद जा चुके हैं कब्रिस्तान में। ये उनका शॉप है, आपको मैंने बताया था, इंडिया टिम्बर। अभी वैसे माल आ रहा है पूरा, ये देखिए हमारा माल आता है यहाँ से, पूरा अनलोड हो रहा है अभी, ये उन्हीं का एचर है, और पूरा माल वगैरह निकल रहा है, दुकान के अंदर माल भर रहे हैं सब लोग, फुल स्टॉक आ चुका है, दो तीन दिन में ये पूरा खाली हो जाता है। वैसे काफ़ी दूर दूर से इनका आता है, बेंगलोर में इनका एक मतलब गोडाउन भी है, तो वहाँ से माल लेकर आते हैं। चलिए अभी ये भी नहीं है तो मैं भी वहाँ चलता हूँ, घर वापस, घर भी जाना है, बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। शोलापुर में अगर बेस्ट टिम्बर चाहिए आपको तो ऑलवेज़ यू कैन कम हियर इंडिया टिम्बर। ये जो 2 नंबर एसटी स्टैंड है शोलापुर का, उसके सामने ही है ये, ऊपर मेरा मामा का नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो शोलापुर या आसपास के एरिया में अगर आपको चाहिए बेस्ट टिम्बर तो। दोस्तों फिर मैं घर पर आके थोड़ा सा आराम कर रहा था खाना वाना खा के, अब मेरे जब आ रहा था रिटर्न तो मेरे आंटी ने मुझे पाइनएप्पल दिया था, तो पाइनएप्पल लेके काट के अभी इसको रखा है, नमक वमक डाल के अभी खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा, पूरी प्लेट भर के आ गया है पाइनएप्पल अपने पास। चलिए थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, अब बढ़िया लगेगा। दोस्तों मगरिब होने से थोड़ा सा पहले फिर मैं उठ गया, अभी सुल्तान को लेके डेंटिस्ट के पास जाना है, थोड़ा सा दांत में उसकी कीड़ वगैरह लग रही है, तो अपॉइंटमेंट ले लिया हमने ऑलरेडी, जाते हैं अब इसको लेके निकलते हैं। खेल रहा है बैठ के, एंजॉय कर रहा है, पता नहीं गाड़ी वाड़ी खेल रहा है। सुल्तान क्या खेल रहा है, ब्लॉक्स? चलो जाना है हॉस्पिटल, जाना है डॉक्टर के पास, जाना है रोने का नहीं, ठीक है आ करने का। दोस्तों आ गए सुल्तान को लेके हॉस्पिटल में, डेंटिस्ट के वहाँ पे आ गए, रोएगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं रोने का। दोस्तों दिखा के बाहर निकल गए, फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा रो रहा था, सेकंड टाइम में कैविटी साफ़ करने के लिए दोबारा बुलाया, दाढ़ में जरी सी कैविटी हो गई है, टूथपेस्ट वगैरह दिया था उसको अलग से लिख के, वो लेके आ गया हमें, शरीफ बच्चे जैसा बैठा है वहाँ कोने में। सुल्तान नेक्स्ट टाइम साफ करवाएंगे ना बेटा? हाँ, हाँ बोलो, हाँ, ठीक है। फिर मेरे को एक स्कूल फ्रेंड मिल गए थे, उनके साथ में मैं बीजापुर बेस इलाके में बड़े मियाँ बोल के बहुत फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाने आया हूँ, खाना वाना खाता हूँ फिर यहाँ से निकलता हूँ, कल सुबह गोवा जाने का प्लान है, 2-3 मेरे फ्रेंड है उनके साथ में गोवा जा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, कल सुबह निकलना है, यानी कि फजर में 5 बजे के आसपास निकलना है, और अभी ऑलरेडी 9:30 बज रहे, खाना वाना खा के घर जाके सो जाऊँगा जल्दी से। दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ी सी सीख मंगाई थी हमने, वो खा लिया, बटर चिकन मंगाया, काफ़ी फेमस है यहाँ का, और पराठे के साथ में खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों खाना खा के बाहर निकल गए, बड़ा मज़ा आया।
दोस्तों बड़े में है कि एग्जैक्टली सामने स्टार होटल है, बढ़िया सी मलाई चाय मिलती है, थोड़ी देर में चाय आ रही है, ऑर्डर दे दिया हमने। दोस्तों चाय आ गई है, बढ़िया सी एकदम मलाई वाली चाय, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, बड़ा मज़ा आएगा। तो गोवा के लिए निकलना है तो उसके पहले सोचा बाल दाढ़ी वगैरह करवा लेता हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, फटाफट करवा लेते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकलना है, ये सब रास्ते में नहीं करना है तो यहीं पे सब खत्म करके जाना है। हालांकि रास्ते में एक दो जगह हम रुकने वाले हैं, लेकिन अच्छे से होटल देख के खाना खाने रुकेंगे, बाकी इसके अलावा फटाफट एक या दो स्टॉप में पहुँच जाएंगे। सो दोस्तों फाइनली फिर मैं घर पे आ गया था, आने तक तो सब लोग सो गए, काफ़ी देर हो गई है मुझे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 4:30 बजे उठना है, 4 घंटे सो के बस और फ्रेश होके 5:30 तक हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि जाने में भी यहाँ से तकरीबन 7.5-8 घंटे लगेंगे गोवा। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल ट्रैवल टू गोवा के व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।